लाही रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी जानिब से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा मसाला जिसका नाम ही गोल्डन मसाला है। ये वो मसाला है कि अगर आप इसे बना के रख लें तो ये आपके हर खाने को चार चांद लगा देता है, यानी कि उसका टेस्ट दुबाला कर देता है। आप चाहे इसे आलू की चाट में, चाहे इसे छोलों में, चाहे इसे बिरयानी में, कढ़ाई में और नॉर्मल दाल में, आप किसी में भी फ़िश फ्राई में, पकौड़ों में, समोसे का जो बैटर होता है उसमें, ब्लैक वाले छोले उसमें, कढ़ाई में स्पेशली भून के अगर लास्ट में इन सबको इसको थोड़ा सा भी ऐड कर दें, शामिल कर दें फ़िश फ्राई में, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा जो मिक्स सब्ज़ी है उसमें, हलीम में, ये तमाम ही जो है वो आपकी डिश को वो टेस्ट इसका बढ़ा देता है। और कबाब हो, कुछ भी हो, तो इसीलिए इसका नाम मैंने गोल्डन स्पाइस रखा है। ये तमाम स्पाइसेस आपके घर में मौजूद होते हैं, कोई भी चीज़ आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें देख लीजिए, ज़ीरा है हाफ कप है, धनिया है साबित, ये आपने क्वांटिटी वगैरह अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 कप जो है वो साबित धनिया है, 1/4 कप सौंफ है, गार्लिक पाउडर इसमें मैं ऐड करूँगी, चार भी ऐड हो, साबित जो मिर्चें, बटर चिल्लीज जो होती हैं वो आप ले लें 1/4 कप। इसको हमारे यहाँ पैसे कम खाते हैं तो मैंने कम लिया, आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो जनाब चलिए आइए बनाते हैं, रमज़ान में इसकी बहुत ज़रूरत होगी हमें हर चीज़ में। सबसे पहले इसे रोस्ट कर लेंगे, ड्राई रोस्ट। जब ये लाल मिर्चें इसमें जब इस हल्की हल्की मार्किंग आ जाएगी ना भुने हुए की ब्राउन, फिर हम ऐड कर देंगे सौंफ, धनिया और बाकी ज़ीरा ऐड करके इसे रोस्ट कर लेंगे। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, ये एक काला नमक होता है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको मैं क्रश करके वो शामिल कर दूँगी। आप चाहें तो सिंपल नमक, हाफ टी स्पून, ज़्यादा नहीं वो। अब इसको मैंने दरदरा सा इसे पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है, या आप हवन दस्ते में कूट लें। और ये देखें इसकी खुशबू, ये सिंपल आप तो कह रहे होंगे ये वही घर के मसाले, जी हाँ, लेकिन इस्तेमाल करने का कुछ तरीक़ा जो है वो इसका डिफरेंट है। और ये गोल्डन मसाला है, हर खाने में आप इसको मिलाएं, एक चम्मच, हाफ चम्मच, अपने खाने के हिसाब से। ये देखिए इसमें हमने काला नमक जो है वो क्रश करके डाल दिया है। काला नमक तो पिंक सॉल्ट में आ गया है, सफ़ेद हो गया, ये देखें। और उसके बाद जो है इसमें शामिल करेंगे हम थोड़ा सा जिंजर पाउडर, सॉल्ट का पाउडर, वो भी इसको बहुत अच्छा टेस्ट देगा। अगर है तो शामिल कर दें, नहीं है तो लहसुन अदरक तो हम सालन में ऐड ही करते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप अच्छा, इसे बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, फिर इसका टेस्ट नहीं आएगा। और जो भुने हुए ये मसाले जो हम पीसेंगे ना, उसकी खुशबू। अब मैं ऐड कर रही हूँ गार्लिक पाउडर, इसको आप चाहें तो बाउल में ऐड कर दें या तो जार में डाल के ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करें, इसे सेव करें। और बिलीफ में ये इतना ज़बरदस्त स्पाइसेस हैं इसमें और इसकी खुशबू, इसको आप पकौड़ों में, बेसन में, जो आप लास्ट में बिल्कुल ऐड करना है, ये आज का गोल्डन मसाला आपकी ज़िंदगी आसान बना देगा। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।